कलंक है, वो मत ना पर कलंक है, आप कलंक है वो कांग्रेस और समय हमारे पास कम है। मेरा एक सुझाव है आपको कि आज की तारीख में कलेक्टर साहब बड़ी पोस्ट होती है, जो संभागीय आयुक्त होते हैं, अगर आपको उचित लगे जैसे भी आप निर्णय करें, कम से कम उनके पास जाकर एक बार उनसे वार्ता करनी चाहिए कि हमारे को इस तरह की ये बात पहले लिखित में अपन को ये मिल चुका है, उसके बाद किस तरह से MLA के द्वारा इसको निरस्त करने का कैसे ऑर्डर किया गया। तो कम से कम हमारी बात यहाँ पे SDM तक ना रहकर यहाँ पे ऊपर जाकर हमें बात करनी चाहिए, उच्च स्तरीय बात करनी चाहिए, उच्च स्तरीय अपन को बात करनी चाहिए। और उसमें अगर आपको लगता है तो आपके साथ मैं भी चलने को तैयार हूँ, आपकी बात को प्रमुखता से रखने की, जहाँ जहाँ पे भी आप बोलेंगे बात को प्रमुखता से रखने के लिए और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी कहने का मकसद है ऑर्डर कलेक्टर और आप जो ज्ञापन दिए बोल दिया एस डी एम ने, कहने का मतलब आप छोटी पोस्ट पर बैठे कलेक्टर का ऑर्डर क्यों रोक सके, कलेक्टर ऑर्डर तो कलेक्टर ऊपर है समाजीय आयुक्त बे रोक सके। और मैं निवेदन करना चाहूँ और बैंजी को कहने का भी बात को सार हो है कि अच्छा एक इनकी संघर्ष समिति बना ली जाए, एक प्रतिनिधि मंडल बना ली जाए, जिसको जाके संभागीय आयुक्त को आपने बात रखा कि कलेक्टर ने हमारे खिलाफ ऑर्डर निकाल दिया है और आप उसे जाकर के बात करें या बिन खिलाफ जो कार्रवाई करें। इसलिए मैं एक यहाँ पर संघर्ष समिति बनानी पड़ेगी, उस संघर्ष समिति में तमाम जो संस्थान पदाधिकारी शामिल रहेंगे और बाकी आपकी जो सारे की आगे राय होगी वो उनका रिव्यू करेंगे। तो हमारे बीच में भाई साहब पृथ्वीराज जी मील पहुँचे हैं तो उनका भी धन्यवाद और हम चाहेंगे आप भी आए और अपने दोस्तों के साथ प्रजातंत्र में फैसला रखा है गिनतियां जो होया करे, गिनतियां जो की है जगत ज्यादा खड़ी है वो सही है या गलत है वो मायनों को रखे, मायनों रख है कि फिर कितने ज्यादा है गिनतियां कितने ज्यादा है। आप लोग प्रजातंत्र में फैसला करना रहो, अपना फैसला जगह ऊपर देखे मांगा फैसला भी आप पाई करा करा कौन करा जरा पापा ने ताकत दे दा पावर दे दा फिर भी बात में भूल गए, लेकिन फिर भी आपने कने बटन है अब वो दबानो किया है और विश्वास दिलाना है तो जो थे फैसलो करोगा भाई जब अभी बता रहे हो कमेटी बनाई जाओगी बस कमेटी जब फैसलो करेगी मैं थारा भी फैसला में सारा शामिल हूं, मैं थारा बीच में विश्वास दिलाना आयो, मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला का संदेश ले गया हूं कि हाँ मैं कोई तकलीफ नहीं आवे जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला साहब हर समय खड़े बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे मैं बीजेपी की सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रहा लेकिन फिर भी हमारी पार्टी की आपकी विचारधारा है चौधरी देवीलाल का जगह सपना जगह बना विचार है एक आम आदमी की तकलीफ दूर होनी चाहिए बांगा सपना और बांगा विचारा ने एक आम आदमी तक पहुंचाने को काम करने लगा। अभी से संबंधित जो भी थे फैसलो करो लेकिन अगर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का सब कार्यकर्ता थर सागे खड़े मैं थर सागे खड़े धन्यवाद जय हिंद।